सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी शक्यवंशीय अंजन की पुत्री थी, जो देवदह के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु थेरी गाथा उच्च कथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुप्पबुद्धा था और अवदान कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के दो भाई थे और एक बहन। बहन महाप्रजापति थी, राजा शुद्धोदन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। उन्होंने पंचशील अर्थात प्राण हानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी थी। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए, उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती है और उन्हें अनुतत्त सरोवर में वहां स्नान कराती है। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शैया पर लिटा देती है। तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताजा सफेद कमल ले दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। राजा शुद्धोदन भी उस रात महामाया के समीप नहीं आ सके थे। अगले दिन महामाया ने जब महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राज ज्योतिषियों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा था, रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध।